मैं अब प्रदीप लोढ़ा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं सवाल पूछने से पहले आपका अभिनंदन करना चाहता हूं पूरे राजस्थान की जनता की तरफ से कि आप बहुत आपके नेतृत्व में पूरी सरकार अच्छा काम कर रही है और लोगों को बचा रखा है काफी हद तक लोगों को। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं ये सवाल ये है मेरा कि जो लॉकडाउन का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, कई लोग हैं जो हजारों की संख्या में राजस्थान में भी है जो अपने घरों में जाना चाहते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। अभी जो सिस्टम है उसमें यदि वो कंप्लेंट करता है तो उसको खुद के प्राइवेट व्हीकल में तो जाने की अनुमति सरकार दिलवा रही है अभी, लेकिन हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार की क्या योजना है कि एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को भेजा जाए, इनकी संख्या भी हजारों में है राजस्थान के अंदर ही। देखिए, इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है, अभी जो जहां वही रहे, हम लोग भी उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लगे कि हमारे कारण कहीं तकलीफ हो जाए, तो उनकी तकलीफ वाजिब है। जो रास्ते में कैंप बने हुए हैं वहाँ लोग रह रहे हैं, जो मजदूर अपने राज्य में जा नहीं पाए, वो बड़ा बड़ा इश्यू है जो सूरत में और बांद्रा में देखा आपने। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मांग करी थी कि हम जाना चाहते हैं घरों में, तो भारत सरकार से बातचीत चल रही है हमारी। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने होम सेक्रेटरी से बातचीत करी है किस प्रकार से इस समस्या को समाधान हो सकता है। ये नीतिगत फैसला भारत सरकार लेगी, परंतु मेरा मानना है कि जब अभी ये शुरू होगा 20 तारीख से औद्योगिक इकाई शुरू होगी, काम धंधे शुरू होंगे, रियल इस्टेट शुरू होगा, और जहाँ हॉटस्पॉट नहीं वहाँ काम धंधे शुरू हो जाएंगे, व्यापार वगैरह, वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली इनमें से कई लोग मूवमेंट करेंगे। उसके लिए क्या पॉलिसी बनेगी वो हम लोग वक्त आने में बताएंगे आपको फिर। धन्यवाद। थैंक यू सर। दीप जी धन्यवाद। मैं अब दैनिक